हेलो, आपका स्वागत है बर्मा टेक्निकल चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एक जावरा इलाइट 25E, ये डेनमार्क का एक प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और इसको अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे, साथ में इसके कुछ फीचर जो है वो भी देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ही वाटर प्रूफ प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखने को आपको इसके साथ मिल जाएगा काफ़ी सारे फीचर, तो ये देख सकते हैं। साथ ही में इसके साथ दो जो है वो ईयरफोन इस तरह से मिल जाता है, ये जावरा का है। साथ में इसका रबर जो आप देख रहे हैं वो भी काफी बेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसके रबर, तो इसके साथ आपको तीन साइज का लवर मिल जाता है, जहां लॉन्गेज हो जाता है उसके साथ मीडियम और स्मॉल्स में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे जहां भी आपको जिस तरह का यूज करना है। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये जो आपका है ये लेफ्ट साइड का है, साथ ही में ये जो है ये आपका राइट साइड का है। इसके साथ स्पीकर जो है वो बिल्कुल ही बेस्ट स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर इसके साथ सराउंडिंग बूफर और साथ में इसके साथ बूफरिंग का सॉन्ग भी आपके साथ मिलेगा। और ये देख सकते हैं इसके कवर को आप कैसे चेंज करेंगे वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इसे आप इस तरह से निकाल करके यहाँ से इसे आप निकाल सकते हैं और बिल्कुल ही इसे अलग कर सकते हैं। फिर भी आपको यहाँ पर कोई और भी लगाना हो तो वो भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये देख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर इसके साइज में जो ये लवर है वो इसका कवरिंग का काम करेगा, और साथ में यहाँ पर ये छोटा वाला साइज का जो है वो भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से ये सेट हो चुका, और यहाँ ये भी जो है वो भी बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से इसमें सेट हो चुका है। साथ ही में देखेंगे क्या ये जो स्पीकर इसके ऊपर में है उसमें एक छोटे से जाली का यूज किया है, ताकि इसके अंदर डस्ट जो है वो ना जा सके, आपका स्पीकर जो है वो बिल्कुल ही सुरक्षित रह सके। अब इसके वायर के बारे में बात करें तो इसका वायर जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर देख सकते हैं फ्लेक्सिबल वायर का भी यूज किया गया है, जहाँ इसका वायरिंग जो है वो भी बिल्कुल ही बेस्ट है। साथ ही में आप इसे जिस भी तरह से आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ही ये बेस्ट वायर भी इसके साथ देखने को मिल जाता है। अब ये जो ब्लूटूथ आप देख रहे हैं तो इसे आप इस तरह से मोड़ भी सकते हैं, इस साइड में भी मोड़ सकते हैं, जैसे हो वैसे आप इसे कर सकते हैं। ये देखें, तो इसके साइज में देख सकते हैं कि ये जो आपका डिजाइनिंग जो जिस तरह से दिया हुआ है वो बिल्कुल ही बेस्ट डिजाइनिंग दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कुछ फीचर है। अब साथ में देखेंगे क्या यहाँ पर माइनस का है और यहाँ प्लस का है, ये दो बटन आपको दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर बीच में जो देख रहे हैं इसका, ये जो है वो आपका पावर का बटन है, आप इसे पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इसे वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, साथ में ये वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हैं, ये होगा। और साथ में इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप इससे रिसेट कर सकते हैं, इसके एक्सेट कर सकते हैं। साथ में देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये ब्लैक टाइप का कवरिंग दिया हुआ है जो इसे बेस्ट रखता है, और साथ में इसे वाटर प्रूफ से बचाता है कि इसके अंदर जो भी वाटर जो जाना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं जा पाता है, जो इसे सुरक्षित रखता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कवरिंग किया हुआ है वो यहाँ तक बिल्कुल ही बेस्ट तरीके से लगाया गया है। अब साथ में ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों देख रहे हैं, दोनों तरफ इस तरह से कवरिंग किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर एक स्टैंडर्ड माइक भी इसके साथ सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ जो आप बटन देख रहे हैं ये आपका माइक का बटन है। साथ में जब आप चाहें तो इसे सिर्फ MP3 में जब यूज करेंगे तो आप यहाँ से इस बटन को प्रेस कर देंगे तो ये आपका माइक जो है वो ऑफ हो जाएगा, वहीं पर आप इसे जब प्रेस करेंगे तो ये आपका माइक ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड में आपको एक चार्जिंग का दिया हुआ है, जहाँ से आप USB चार्जिंग लगा सकते हैं, जिसे आपको कितने घंटे तक चार्ज करना है वो भी आप इसमें जान सकते हैं, इस तरह से चार्जिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ फीचर जो है वो आपको इसके साइड आता है, तो ये देख सकते हैं कि कुछ सैंपल भी है यहाँ पर देख सकते हैं नंबर पे, तो ये भी देख सकते हैं। अब ये जावरा इलाइट 25E जो है उसका मॉडल आप देख सकते हैं कि OTE 28 है। साथ में यहाँ पर आपको साथ में यहाँ पर डेट भी देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं। इसका फीचर जो है वो काफ़ी ही अट्रैक्शन है, और यहाँ देख सकते हैं कि वाटर प्रूफ भी ये बना हुआ बिल्कुल बेस्ट तरीके से है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका चार्जिंग का, तो चार्जिंग के बारे में जानेंगे क्या कि इससे आप चार्जिंग कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ से निकाल लूँ,
और ये देख सकते हैं साथ ही में यहाँ पर आप एक यूएसबी चार्जिंग लगा सकते हैं और ये इसे इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं जो आपको वाटर प्रूफिंग का बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको चार्जिंग भी लगा करके दिखाऊंगा। इसे आप नॉर्मल रूप से चार्ज जब ये चार्ज जब रहे तो आप इसे करीब 30 मिनट में आप इसे फुल चार्ज कर लेंगे, बट अगर ये पूर्ण रूप से अगर डिस्चार्ज हो जाए, ये बिल्कुल ही चार्ज ना रहे, तो उसे आप करीब 1 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और आप इसे जब MP3 या कॉल रिसीविंग सभी आप यूज करेंगे तो ये करीब 24 आवर तक आपको ये बैकअप देगा, और अगर आप इसे सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हैं तो ये आपको करीब 2 दिन तक का बैकअप दे सकता है। एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें मैं इस तरह का यूएसबी चार्जिंग, जो भी आपका मोबाइल चार्जर का भी कोई भी चार्जर हो उससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं ये यूएसबी में पोर्ट में यहाँ पर आपको एक रेड LED ग्लो करेगा, जब ये फुल चार्ज जब हो जाए तो ब्लू LED जो है वो ग्लो करता है, तो उससे ये होता है कि आपका इसका बैटरी जो है वो बिल्कुल ही फुल चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखा कि इस तरह से आप इसे चार्जिंग लगा सकते हैं, ये भी कुछ चार्ज भी है। और अब बात मैं इसका करूंगा, इसे कनेक्ट का, और यहाँ इसके कनेक्टिंग का जानेंगे। देखें ये ब्लूटूथ को आपको कैसे ऑन करना है, देखे हैं तो कुछ सेकंड तक आप इसे दबाए हुए रखेंगे तो यहाँ पर एक LED जो है वो ग्लो करेगा। तो ये देखें मैं इसे दबाए रखा हूँ और ये देख सकते हैं कि ये ग्रीन LED जो है वो यहाँ पर ग्लो किया, अब ये ब्लू LED ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से जब ब्लू LED ग्लो करे आपका जो ये सेट है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर इसका ब्लूटूथ को ऑन कर लेंगे, ये देखें। और अब मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर लिया। हाँ, आप देखेंगे क्या कि इस तरह से डिवाइस को मैं जब ऑन कर रखा हूँ तो यहाँ देख रहे हैं कि रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद भी इस जो ये जो जैबरा का ब्लूटूथ ईयरफोन देख रहे हैं, इससे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर भी देख सकते हैं ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम होता है। अब देखें मैं एक इस तरह का जो ब्लूटूथ है, तो इसे भी मैं इस ब्लूटूथ ईयरफोन को जब यहाँ पर मैं पावर इसे ऑन करता हूँ, और ये देखें यहाँ पर LED ग्लो कर रहा है, तो इस तरह से इसका भी पावर ऑन हो चुका है। अब देखेंगे क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो क्या होता है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो आपका ब्लूटूथ ईयरफोन है, इससे आपका ये कनेक्ट हो गया है, बट यहाँ जावरा इलाइट 25E से जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम जो आती है वो आपका प्रॉब्लम आपका मोबाइल में कनेक्ट नहीं होता। अगर मोबाइल में इस तरह से फॉल्ट होते हैं तो आपको करना क्या है, इसे आप इस तरह से पेयरिंग कर दे सकते हैं। यहाँ देखें कि ये पेयरिंग तो हो चुका है और ये कनेक्टेड भी हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे आप अनपेयर डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, जब है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस तरह से अनपेयर कर देंगे, तो ये अनपेयर हो चुका, ये हट चुका है। अब देखेंगे क्या कि ये जब प्रॉब्लम हो कि आपका मोबाइल से फिर से जब हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तो देख सकते हैं कि MK122 कनेक्ट तो हो रहा है, बट ये जो आपका जैबरा का है ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, सेट करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले इसके पावर को आपको ऑफ कर लेना है, ये देखें, और ये बिल्कुल ही ऑफ हो चुका है। और ये देखें जब ये ऑफ हो जाए तो आपको इसे रिसेट कैसे करने रहता है, तो सबसे पहले आप ये पावर का बटन देख रहे हैं और ये प्लस का बटन, अब ये दोनों बटन को एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक LED ग्लो करेगा, या फिर आप इसे अपने ईयर में लगा करके रखेंगे तो आपका जो ये ब्लूटूथ है वो आपको बताएगा कि ये आपका रिसेट हो चुका है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों को एक साथ दबा करके रखूंगा इस तरह से, ये देखें, जब इसे आप दबाएंगे तो LED भी ग्लो करेगा, या फिर आप इसे सुन भी सकते हैं। इसे 7 सेकंड तक दबा करके रखना है, तो जब आप दबा करके रखेंगे तो आपका जब ये रिफ्रेश हो जाए तो यहाँ एक LED ग्लो करेगा। अब करना क्या है, यहाँ से आप इसे ऑन कर लें और ये देख सकते हैं कि अब ये जो है वो ग्रीन LED के हेल्प से अब ये ऑन हो चुका है। तो अब क्या, और ये देखें इस तरह से यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ये देखें। और अब यहाँ पर मैं पेयरिंग करूँगा तो इस तरह से ये पेयर हो जाएगा, ये देखें। और यहाँ देखेंगे कि नीचे आपको पेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो अब मैं इसे पेयर कर लूँगा और ये देखें कनेक्टिंग
इस तरह से ये कनेक्टेड हो चुका है और ये वाइब्रेट भी करेगा जब कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें कनेक्ट हो गया। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जावरा इलाइट 25E का जब भी आप यूज करते हैं और कोई भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ जो देख रहे हैं पावर का बटन और ये प्लस का बटन, दोनों को एक साथ आप रिसेट करें ताकि आपका जो ये ब्लूटूथ ईयरफोन जो है वो यहाँ इसे रिसेट कर देता है और जिससे आपका जो ब्लूटूथ जो है वो कोई भी डिवाइस से इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है जहाँ कनेक्ट नहीं था वो कनेक्ट हो चुका है और इसी तरह से आपका कनेक्ट हो जाएगा। और सभी कोई प्रॉब्लम लगता है क्या कि आपका मोबाइल में प्रॉब्लम है जिससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं कनेक्ट हो जाता है बट ये जावरा का जो है इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे आप लेकर सर्विस सेंटर या फिर आप इसे रिपेयर करवाने चले जाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही आसान है। जब भी आपका इस तरह का जावरा का है और ये कनेक्ट ना हो तो ये पावर बटन और ये प्लस का बटन दोनों को एक साथ 7 सेकंड तक दबाए रखें। जब ये ऑन हो जाए उसके बाद फिर आप इसे यहाँ पर से पावर बटन ऑफ करके यहाँ पर फिर से ऑन कर लेंगे और उसके बाद जो ये आपका मोबाइल है यहाँ पर आप यहाँ से ब्लू करके ऑफ करके फिर से ऑन कर लेंगे, आपका कनेक्ट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं इस तरह से जब कनेक्ट हो जाए तो कोई भी आप इस तरह से यहाँ पर MP3 सॉन्ग या फिर कोई भी आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से ये कनेक्टेड हो चुका है और इसका मैं यूज भी कर रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी सॉन्ग को बजा सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब यहाँ पर बटन को प्रेस मैं करूँगा, मैं यहाँ पर से बटन को प्रेस करूँगा और ये देखें बंद हो गया, और ये देखें जब भी मैं यहाँ पर बटन को प्रेस करूँगा ये देखें ऑन हो चुका है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है, उसका आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये देखें ब्लूटूथ का सैंपल जो है वो बिल्कुल बताएगा कि इसका बैटरी जो है वो बिल्कुल ही अभी जावरा इलाइट 25E को कैसे कनेक्ट करके दिखाया वो आप इस वीडियो में देखा। तो इसी तरह से मैं बहुत सारा वीडियो लाता हूँ, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।